आज आप पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में फ़ूड चेन क्या होती है डेफिनेशन है इसकी इट इज़ अ सीरीज ऑफ ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स इन विच देयर इज़ अ रिपीटेड ईटिंग एंड इटर्न बाय सो एज टू ट्रांसमिट द फूड एनर्जी इसमें ये लिखा गया है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें एक तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल जैसे जो प्लांट्स होते हैं वो ट्रॉफिक लेवल वन बनाते हैं ठीक है उसके बाद क्या होता है जितने भी भी वोर्स होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं वो बनाते हैं ट्रॉफिक लेवल टू उसके बाद जो भी वोरस के ऊपर भी वोरस को जो खाते हैं उन्हें बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल थ्री ऐसे ही चलता रहता है ट्रॉफिक लेवल फोर एंड फाइव ठीक है सेकेंड डेफिनेशन हम देखेंगे इट इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच ईच माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईट्स द वन बिलो इट इन द सीरीज एंड बिकम्स अ सोर्स ऑफ फूड फॉर द ऑर्गेनिजम्स अबव इट जैसे जो हर्बी वोरस होते हैं यानी कि ट्रॉफिक लेवल टू ठीक है वो खाते हैं प्लांट्स को ठीक है अब क्या होता है जो सेकेंड जो टर्शरी ट्रॉफिक लेवल होता है वो खाते हैं किसको? जो हर्बी वोरस होते हैं उनको खाते हैं तो इसलिए ये जो अपने से नीचे वाले को खाते हैं और जो उनसे ऊपर वाला ट्रॉफिक लेवल होता है वो उन्हें खाता है फिर है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन नंबर वन अ फूड चेन इन्वॉल्व न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इसमें क्या होता है एक ऑर्गेनिजम दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है तो क्या होता है दोनों का न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन है एक एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ले रहा है सेकंड देयर इज़ अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स ठीक है प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं सन से तो उन्हें प्रोड्यूसर बोलते हैं उसके बाद फिर प्रोड्यूसर्स को खाते हैं हर्ब्यूवर्स तो ऐसे एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है थर्ड यूजअली देयर आर फोर और फाइव ट्रॉफिक लेवल्स इन द फूड चेन फोर्थ अ फूड चेन is always straight and proceeds in a progressing straight line fifth usually 80 to 90% of potential energy is lost as heat at each transfer on the basis of second law of thermodynamics second law uh, jo second law of thermodynamics hai wo ye kehta hai ki jab bhi energy ek लेवल से दूसरे लेवल पर ट्रांसफ़र होती है तो 80 to 90 परसेंट ऑफ एनर्जी लॉस्ड हो जाती है मतलब ओनली टेन परसेंट ऑफ एनर्जी ही सेकेंड लेवल पर पहुंचती है नंबर सिक्स ओमनीवोर्स जनरली ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन ओमनीवर्स बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोर्स इज ह्यूमन ह्यूमन प्लांट्स के प्लांट्स के ऊपर भी फीड करता है और जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर भी फीड करता है तो जो ह्यूमन है वो आता है ओमनीवोर्स की कैटेगरी में फिर है टाइप्स ऑफ फूड चेन फूड चेन टू टाइप्स की होती है ग्रेजिंग फूड चेन एंड रिटेटस फूड चेन फर्स्ट ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन ठीक है इसके हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे वन बाय वन नंबर वन दीज आर डायरेक्टली डिपेंडेंट अपन सोलर रेडिएशन एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं प्रोड्यूसर्स कौन है इसमें प्लांट्स हैं प्लांट्स प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं जो एनर्जी जो सोलर रेडिएशंस होती है ना उससे एनर्जी लेते हैं तब वो अपना फूड बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस सेकंड ग्रीन प्लांट्स जिनको हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं फॉर्म द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ द फूड चेन जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है उसको हम टी भी लिखते हैं वो बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स ठीक है थर्ड हर्बी वोर्स और प्राइमरी कंज्यूमर्स ईट अपन द प्रोड्यूसर्स एंड फॉर्म द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल था प्लांट्स ने प्लांट्स आते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर वो आते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं और उन्हें हर्बीवर्स और प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं फोर्थ हर्बीवोर्स आर इटन बाय द कार्निवोर्स विच आर ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स फिर हर्बी वोर्स होते हैं वो उनको कौन खाता है कार्निवोर्स खाते हैं जो बनाते हैं ट्रॉफिक लेवल थर्ड

ट्रॉफिक लेवल्स इन्वॉल्व होते हैं नंबर सिक्स दीज आर ऑलवेज एंड एट डिकम्पोजर लेवल ठीक है अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं ग्रेजिंग फूड चेन के ग्रास है ग्रास को इंसेक्ट्स खाता है इंसेक्ट को कौन खाता है फ्रॉग्स फ्रॉग्स को स्नेक्स और स्नेक्स को कौन खाता है प्रीडेटरी बर्ड्स जैसे आपने देखो पिकॉक खाता है सेकेंड एग्जाम्पल इस ग्रास है ग्रास को रेबिट ने खाया रेबिट को फॉक्स ने खाया फॉक्स को लॉय ने खाया अब ये क्या है कि जो ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन है ये थ्री उसमें दिखेगी ये ग्रास लैंड्स में कैसी होती है फॉरेस्ट में कैसी कैसी होती है और पौंड इकोसिस्टम में कैसी होती है अब ये ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन इन पोंड इकोसिस्टम सिस्टम अब पौन्ड में क्या होता है फाइटो प्लैक्टॉन जो छोटे छोटे फाइटो प्लैंगटॉन मतलब जो छोटे छोटे आपने देखे होगा पौधे से होते हैं पौंड के अंदर उन्हें बोलते हैं फाइटो ठीक है उसके बाद होता तो तो है जू प्लैंगटों जू प्लैंगटॉन्स क्या होते हैं जो जू से आपको समझ जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं वो फीड करते हैं फाइटो के ऊपर उसके बाद जू प्लैंकटॉन्स को कौन खाता है स्मॉल फिशेस खाते हैं स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस खाती हैं फर्दर लार्ज फिशेस को प्रीडेटरी बर्ड्स खाते हैं आपने देखा होगा पॉन्ड्स में बहुत सारे बर्ड्स आकर बैठते हैं और वो फिशेस को खाते हैं ठीक है सेकेंड टाइप ऑफ फूड सेकेंड टाइप ऑफ फूड चेन है डिट्रीटस फूड चेन जो डिट्रीटस फूड चेन और ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन है ये दोनों ही डिफरेंट है ठीक है तो इसमें फर्स्ट जो करेक्टर जो इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो है प्राइमरी एनर्जी सोर्स ऑफ डिट्रीटस फूड चेन इज डेड ऑर्गेनिक मैटर कॉल्ड डिट्रीटस ठीक है इसमें जो प्राइमरी जो एनर्जी सोर्स है वो है डेड ऑर्गेनिक मैटर ठीक है और लेकिन जो ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन में तो उसमें प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या था सोलर रेडिएशंस सेकंड मेन सोर्सिस ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर आर फॉलन लीव्स और डेड एनिमल बॉडीज अब जो ऑर्गेनिक मैटर है ठीक है उससे ही ये एनर्जी लेते हैं अब जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो होता क्या है डेड एनिमल बॉडीज होती हैं और जो लीव्स जमीन पर गिर जाती हैं वो थर्ड डिट्रेटिव वोरस इंक्लूड प्रोटोजोन्स बैक्टीरिया फंजाई एट्सेट्रा ठीक है ये प्रोटोजोन्स बैक्टीरिया और जो फनजाई होती है ये डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ठीक है और उसे अपना फूड बनाते हैं फोर्थ दीज आर जनरली शॉर्टर दैन ग्रेजिंग फूड चें फिफ्थ डिट्रिटिव वोरस आर eaten by secondary कंज्यूमर्स विच इंक्लूड इंसेक्ट larva निमेटोड्स etc अब जो एग्ज़ाम्पल है डिटेटिवरस फूड चेन का वो ये है कि जो मैंग्रोव फॉलन लीव्स और डेड बॉडीज़ होती हैं इनको अपना भोजन कौन बनाता है फंजाई बैक्टीरिया प्रोटोजोन्स जो फंजाई बैक्टीरिया प्रोटोजोन्स होते हैं ये ऐसे केमिकल्स और ऐसे एंजाइम्स क्रिएट करते हैं कि जो डेड बॉडीज़ होती हैं और जो लीव्स होती हैं उनका जो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं आपने देखा होगा कि बहुत दिनों अगर पत्ते आप बहुत दिनों तक तो पड़े रहते हैं उसके बाद धीरे धीरे सूख सूख के अपने आप गायब भी हो जाते हैं मिट्टी में मिल जाते हैं हमें दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि जो फनजाई बैक्टीरिया प्रोटोजन्स होते हैं ये इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उनको अपना भोजन बना लेते हैं और उसके बाद जो भी उसका जो स्मॉल पार्ट बचता है वो मिट्टी में मिल जाता है और हमें दिखाई नहीं देता ठीक है उसके बाद जो फंजाई बैक्टीरिया और जो प्रोटोजोस होते हैं इनको अपना भोजन बना लेते हैं इंसेक्ट लार्वा मोलुस्क फिशेज और एटसेट्रा अब क्या होगा जो इंसेक्ट लार्वा मोलुस्क और फिशेस हैं इनको अपना भोजन बनाते हैं मीनो स्मॉल फिशेस एटसेट्रा ऐसे ही स्मॉल फिशेस और मिनोस को अपना भोजन बनाते हैं लार्ज फिश और फिश ईटिंग बर्ड्स ये जो पूरा एग्जाम्पल था ये था रिटिव फूड चेन का तो रेटेटिवर्स फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन है जो वो आपस में बहुत ही डिफरेंट है